Hello everyone and welcome back to my playlist of biochemistry. And today we are continuing our discussion on enzyme. The topic will be mechanism of enzyme action. Ke enzyme basically kaam kaise karte hai? simple topic, hai, lekin important topic. Hai, बेसिक uh, तो आपको बताया फंडा यही है कि जो एंजाइम्स हैं जो इस इक्वेशन में ई e से रिप्रेजेंट हो रहा है इट कंबाइंस विद समथिंग और उस समथिंग को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली समथिंग का नाम सबस्ट्रेट है सो एंजाइम कंबाइंस विद सबस्ट्रेट एंड एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज फॉर्म विच इज नोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स and at the end we get the product which is the product of the reaction or enzyme phir reuse bhi ho sakta hai so ye hum equation kai dfa discuss kar bhi chuke hain pehle bhi is chapter mein so basically enzyme is uh, pure reaction ko facilitate karta hai as a catalyst so catalysis is the prime function of enzyme यानी वो reaction को speed up कर देते हैं basically enzymes are powerful catalysts

कैटलेज जिस तरह यू नो नॉन दिस इज़ अ नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम क्योंकि इसमें हम मार्बल चेप्स और एसिड की बात कर रहे हैं सो so, जिस तरह नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम में एसिड uh, की यू नो रिएक्शन को स्पीडअप किया जा रहा है ऐसे ही काम करते हैं कैटलेज बायोलॉजिकल सिस्टम में भी नॉ बायोलॉजिकल सिस्टम वुड बी योर बॉडी आपकी बॉडी में जो भी इन्जाइम्स काम कर रहे हैं दे आर परफॉर्मिंग दियर फंक्शन इन द बायलॉजिकल सिस्टम फॉर एनी केमिकल रिएक्शन टू अकर द रिएक्टेंट्स हैव टू बी इन द एक्टिवेटेड स्टेट और द ट्रांजिशन स्टेट सो ये रिएक्टेंट्स है देखो अगर इस पूरी केमिकल इक्वेशन को हम देखें जो कि इंजाइम के एक्शन को डिपेक्ट कर रही है तो उसमें ये वाला पार्ट जो है दिस इज द प्रोडक्ट और ये वाला जो पार्ट है दिस इज द रिएक्टेंट सो रिएक्शन सो इन्जाइम्स बेसिकली करते क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं अब जरा इस कॉन्सेप्ट को ना समझने की कोशिश करो देखो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट्स मौजूद हैं और ये रिएक्टेंट्स उस वक्त काम करेंगे जब ये एक्टिवेटेड स्टेट में होंगे अच्छा एक्टिवेटेड स्टेट

Has done उसने प्राइस को कम कर दिया जैसे परचेज करना बिल्कुल ले आए या फिर वो एनर्जी अगर किसी तरह से कम हो जाए तो रिएक्शन फॉरन से फटकर के हो जाएगा तो इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का, काम का होता है इंजाइम का एनर्जी रिक्वायर्ड बायट टू अंडर गो द रियक्शन एनर्जी एंडक्टेंस वेट हीटेड विल अटेन द एक्टिवेशन एनर्जी और कैटलिस्ट का काम होता है उस एनर्जी को कम कर देना जब वो एनर्जी रिड्यूस होगी तो रिएक्शन तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो पड़ेगा ओके okay? सो so, ये बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको लाजमी यह हेडिंग समझनी है गाइज ओके okay? uh, फिर इस हेडिंग में जो बात हो रही है ये हमने कई दफा ऑलरेडी की है कि द प्राइम रेक्विजिट फॉर इंजाइम के टैलिसिस इज द सबस्ट्रेट यानी सबस्ट्रेट होगा इसी पर तो इंजाइम काम करेगा ना सो इंजाइम विल बाइंड ऑन टू द सबस्ट्रेट एंड दे विल मेक you know, intermediate complex, which is known as इन्जाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड देन फ्रॉम देयर यू गेट दी प्रोडक्ट व्हिच इज द इन्जाइम यू गेट दिस फ्री एंड द प्रोडक्ट और द प्रोडक्ट ऑफ दैट रिएक्शन वाज़ सो ये पूरा किस तरह से होता है इसके लिए तीन थ्योरीज हैं जो हमको अब समझनी है कि एन्जाइम अपना काम कैसे करता है देर आर थ्री थ्योरीज द फर्स्ट वन इज नोन एज लॉक एंड की मॉरल अब ये बिल्कुल आसान सी चीज़ है uh, इस डायग्राम पर बड़े अच्छे से तीनों चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं सो लुक हेयर हेयर वी हैव दबस्ट्रेट एंड वी हैव got द enzyme हेयर अब देखिए इंजाइम में इस पहले सिनेरियो को मैं देख रहा हूँ सिनेरियो ए को इंजाइम में एक इस तरह से खड्डा बना हुआ ट्राइंगल फिर एक स्क्वायर फिर एक सर्कल तो ये जो सबस्ट्रेट है उसमें भी इसी तरह के कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर्स हैं सो अगर ये यहाँ आकर के बाइंड करेगा सो दिस ट्राइंगल विल फिट इन हेयर दिस रेक्टेंगुलर थिंग स्क्वायर थिंग विल फिट इन हेयर और ये सर्कुलर थिंग यहाँ फिट हो जाएगी तो इस तरह की पिक्चर आपके सामने आ जाएगी ये पिक्चर वो कहते हैं ना हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए तो ये एक दूसरे के लिए बने जिस तरह की सरफेसेस सब्सट्रेट के पास हैं वैसे ही पॉकेट्स एंजाइम के पास हैं दिस इज कॉल्ड लॉक एंड की मॉरल कि जैसे ताले के अंदर एक फिक्स पर्टिकुलर चाबी जाकर के अपना काम करती है बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे है दिस इज़ कॉल्ड simply lock and key model yeah this is also known as fisher's template so this theory was proposed by a german biochemist and germans are very very efficient uh, name of the, the scientist was emil fischer this is in fact the very first model proposed to explain how enzymes work according to this model the structure or the conformation of the enzyme is very rigid and the substrate fits to the binding site जस्ट एज द की फिट्स इन टू द प्रॉपर लॉक जैसे यहां पर मैं आपको सार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि दिस पॉकेट्स आर देयर एंड दिसम और सबस्ट्रेट का परफेक्ट फिट है जस्ट लाइक ताला इंजाबी ओके इसे हम कहते हैं लॉक इन की मॉडल या साइंटिस्ट के नाम पर इज ऑल्सो नोन एज द फिशर टेम्पलेट थ्योरी ओके okay? लेकिन ये थ्योरी ऑब्वियसली परफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे बाद में आई मीन देर आर सो मेनी स्ट्रक्चरल स्टडीज जिसमें ये देखा गया कि इंजाइम और सबस्ट्रेट की जो सर्विसिज़ हैं वो इस तरह से कॉम्प्लीमेंटेड नहीं होती फिर भी इंजाइम काम कर रहा होता है सो so, इसका मतलब ये है कि ये जो थ्योरी है ये हंड्रेड परसेंट इन्जाइम्स के लिए ट्रू नहीं है सो दिस मॉडल डज नॉट गिव ए स्कोप ऑफ द फ्लेक्जिबल नेचर ऑफ द एंजाइम्स एंड देर फॉर इट टोटली फेल्स टू एक्सप्लेन मनी फैक्ट्स ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन सो इस वजह से देर वर देन फर्दर मॉडल्स बिच वर

एंड प्रिशेप यानी इस तरह से फिक्स नहीं होती कि भाई ट्राइंगल होगा स्क्वायर होगा सर्कल होगा इट्स नॉट रेजिड लाइक दिस द एसेंशियल फीचर ऑफ द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड्स आर प्रेजेंट एट द नेसेंट एक्टिव साइट। मतलब प्राइमरी फीचर्स होंगे 100 परसेंट इस तरह की शेप नहीं होगी और इसको आप एग्जाम्पल में यहाँ देख भी सकते हैं सो फॉर एग्जाम्पल दिस वन यू सी दिस द एन्जाइम यहाँ पे प्राइमरी फीचर्स हैं यानी एक खड्डा इधर है एक गढ़ा बना हुआ है ट्राइंगल जैसा है हंड्रेड परसेंट शार्प ट्राइंगल नहीं है और फिर यहाँ पे ऐसे फीचर्स हैं कि जिसमें एंजाइम आके फिट हो सकता है एंड यू सी इसमें फिट हो भी गया सो so, इस तरह की थ्योरी को हम नाम देते हैं इंड्यूस फिट मॉडल फिट मॉडल है प्रूफ क्योंकि बाद स्ट्रक्चरल स्टडीज देखकर बहुत सारे इंजाइम्स जिनकी शेप 100% परसेंट शार्प सबस्ट पर फिट होने के लिए नहीं होती इस तरह देखें ना ये वेग स्ट्रक्चर है आप जरा इनको कंपेयर करो ना ए में जो डायग्राम दी हुई कितनी शार्प है ट्राइंगल स्क्वायर सर्कल ये देखो कितना वेग है ट्राइंगल जैसा और ये बस एक गढ़ा जैसा बना हुआ है बट ये भी इंजाइम तो Both theories are acceptable. This is also acceptable. This is also acceptable. And then there is a third theory which is known as substrate strain theory. In this model, the substrate is strained due to the induced conformation change in the enzyme. सो नाउ दर इज़ अ कॉन्फर्मेशन चेंज इन द एजाइम एंजाइम अपने आप को फिट कर लेता है चेंज कर अब यहाँ देखो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन यहाँ मुझे वो खेलना चाहिए फर्क मालूम करें इसमें इसमें और इसमें यहाँ पे देखें ये स्ट्रेट लाइन है और फिर ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सबस्ट्रेट यहाँ भी ऐसा है लेकिन यहाँ देखें क्या हो रहा है यहाँ पे सबस्ट्रेट थोड़ा सा कर्व हो गया बिकॉज सबस्ट्रेट पर स्ट्रेन हुआ इसलिए स्ट्रेन हुआ क्योंकि एंजाइम इसको ऐसे जाके चारों तरफ से यू नो नचोड़ रहा है कि वो फिट भी हो रहा है अच्छे तरीके से सबस्ट्रेट uh, इस एंजाइम के साथ और उस पे एक पर एक स्ट्रेन पड़ रहा है तो वो थोड़ा सा मुड़ भी गया है स्ट्रेट नहीं है देखें दैट्स ए स्ट्रेट लाइन है दैट्स अ कर्व लाइन है सो दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी तो थोड़ा सा स्ट्रेन में है सबस्ट्रेट ओके तो ये तीन मैकेनिज्म हैं दे आर ऑल एप्लीकेबल इन डिफरेंट एग्जाम्पल्स देन Um, एक और फिनोमिना बल्कि तीन चार नाम है जो आपको बताने चाहिए कि जो ये फॉर्मेशन ऑफ इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है यानी ये दिस इज एन इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज वेरी क्रूशियल फॉर द केटालेसिस वर्कर

कॉम्पोनेट रिलीज हो रहा होता है और वो जाकर के अटैच हो रहा होता है किसी बेसिक कॉम्पोनेट पे सो देर इज एसिड बेस इन्वॉल्वमेंट दैट देर इज एन समटाइम्स देर आर कोवलेंट कंपाउंड इन दर एंड कोवल इन बॉन्ड्स रिशफल हो रहे होते हैं एंड देन दी एंट्रॉपी इफेक्ट तो ये चारों को थोड़ा थोड़ा सा क्विकली देख लेते हैं एसिड बेस इटालसिसिस में देयर आर एसिड्स प्रोटोन्स बींग रिलीज एंड बींग एक्सेप्टेड सो यूजअली जो प्रोटोन रिलीज कर रहा होता है वो एसिड है और जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है वो उसका काउंटर पार्ट बेस है तो जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स हैपन इन इन्जैमेटिक रिएक्शन फर्दर डिटेल्स जब पर्टिकुलर इन्जाइम्स होंगे तब बात करेंगे सबस्ट्रेड स्ट्रेन में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ यहाँ हमने बात की थी कि इट्स सो टाइटली बाउंड विद इन्जाइम दैट देर इज अ बैंड देर इज अ स्ट्रेन ऑन द सबस्ट्रेट

जितना करीब होंगे ना इंजाइम और सबस्ट्रेट उतना उनके चांसेस ज्यादा हैं एंड दैट मेक्स सेंस इंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के जितने करीब होंगे उतने रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं द रिएक्शन शुड कम इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द इंजाइम टू मेक द रिएक्शन हैपन ये नहीं हो सकता कि आपके बॉडी के एक पार्ट में इंजाइम पड़ा हुआ दूसरे पार्ट में सबस्ट्रेट पड़ा हुआ भाई इसको वहां जाना पड़ेगा जाएगा तभी रिएक्शन होगा ओके okay? देन तीन बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो मुझे आपको समझानी है इन टर्म्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ऑफ द एंजाइम रिएक्शंस Asane. आइजोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन ये आपने हाई स्कूल केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है एंडोथर्मिक वो रिएक्शन है जिस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी सो ग्लूकोज फॉर एग्जाम्पल जब ग्लूकोज बनाता है सो इट यूटिलाइज एनर्जी जो रिएक्टेंट साइड पर अगर एनर्जी लिखी हुई इट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड एंडगोनिक एक्जोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनसे हीट या एनर्जी निकलती है सो so, यूरिया जब स्प्लिट होता है अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड में तो एनर्जी लिबेट होती है प्रोडक्ट साइड पे लिखी हुई है सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक